हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों अगर आप भी नींद में बुरे सपने से परेशान हैं तो क्या उपाय करना चाहिए, ये मैं वीडियो में आज इस वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ। तो आप लोग की समस्याओं को देखते हुए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स भी पूछ रहे थे कि क्या मैम क्या उपाय होना चाहिए जिससे हमें बुरे सपने से मुक्ति मिल पाए। तो दोस्तों एक चीज़ मैं क्लियर यहाँ पर कर दूँ कि जो भी बुरे स्वप्न आते हैं उसका हमारे लाइफ से कहीं ना कहीं कोई संबंध ज़रूर होता है, या फिर यूँ कहे कि कभी कभी ऐसे भी सपने आते हैं जो हमारे कोई काम के नहीं रहते, यानी जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। ऐसे सपने भी कभी कभी आ जाया करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे माइंड से भी जुड़ा हुआ रहता है, हमारे सोच या फिर किसी ऐसी भी कोई सपने होता है जो कोई पूर्वाभास होता है या फिर किसी घटना के बारे में हमें सपने के जरिए पता चलता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आपके घर का वास्तु दोष भी इसके लिए बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यानी अगर आपको बुरे सपने आते हैं तो घर का वास्तु दोष अगर सही नहीं है, वास्तु सही नहीं है, तो इसके कारण भी आपको नींद में परेशानियाँ आ सकती है, या यूँ कहें कि आपको बुरे सपने सता सकते हैं। तो क्या करना चाहिए उपाय, सबसे पहली बात कि आपको किसी वास्तु एक्सपर्ट से अपना घर भी दिखवाना चाहिए ताकि घर में जो वास्तु दोष हो उसका निदान किया जा सके, और अपने बेडरूम की स्थिति को भी देखना चाहिए कि आप कहाँ सो रहे हैं। और चलते हैं उपाय की तरफ। दोस्तों मैं जो उपाय बताने वाली हूँ, उपाय तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये पूरी तरह आपके श्रद्धा और विश्वास पे निर्भर करता है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा अगर आपको बुरे सपने सताने लगे तभी आप इस उपाय को करिएगा। शौक के तौर पे या फिर एक दो बार आप बुरे सपने आते हैं तो इस तौर पर आप इस उपाय को नहीं करिएगा। उसके लिए आप नॉर्मली पूजा पाठ कर सकते हैं। जैसे आप बुरे स्वप्न आया तो इसके लिए आप पूजा पाठ करके भी उसका निदान कर सकते हैं। इसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बना दूंगी। तो चलिए उपाय क्या है, टोटका वो क्या है जो आपके बुरे स्वप्न से मुक्ति दिलाने में कारगर हो सकता है। तो क्या करना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बुरे स्वप्न सोने नहीं देते तो आपको क्या करना चाहिए, माघा एक नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र में आपको पीपल का जड़ ले आना है और चांदी के ताबीज़ में भर कर उस जड़ को ढक्कन लगा दीजिए, ताबीज़ में भरकर काले डोरे में बंध लगा कर, मतलब काले डोरे में पिरो कर उस चांदी के ताबीज़ को गले में धारण कर लीजिए। इससे जो भी भयानक और घिनौने स्वप्न आते हैं, डरावने स्वप्न आते हैं, उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। तो लेकिन हाँ, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे ये स्वप्न तभी आप इस उपाय को करिए। अदरवाइज़ आप नॉर्मली भयानक स्वप्न देखने के बाद आप देवी का स्मरण भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं और गंगा जल से स्नान भी कर सकते हैं। तो